अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमना खालिद फ्राम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं क्लास नाइन का यूनिट नंबर 3, और उसके हम 4 पैराग्राफ पढ़ेंगे और उनकी रीडिंग करेंगे ताकि हमारी रीडिंग अच्छी हो। उसके अलावा मैं हर वर्ड का आपको मतलब बताऊंगी, और उसके अलावा उसके बाद फिर हम उसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। तो हम पैराग्राफ नंबर 1 करेंगे, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4। और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। मीडिया का मतलब है ज़राए अबलाग, एंड इट्स इम्पैक्ट और उसके असरात। ज़राए अबलाग क्या होती है? जिस चीज़ के ज़रिए भी हम कोई ख़बर पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम मीडिया कहते हैं। तो चलते हैं रीड करने के लिए अपने ये 4 पैराग्राफ। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। मिस आयशा एंटर्स द क्लास रूम विद हर यूजुअल स्माइल, ग्रीट्स द स्टूडेंट्स एंड टेक्स द रोल कॉल। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे। द स्टूडेंट्स ऑल आर गियर्ड अप। दे नो वट इज़ अबाउट टू कम एंड दे आर प्रिपेयर फॉर इट। शेल वी स्टार्ट, शी आस्क्स पोलाइटली। येस द स्टूडेंट्स नॉट। अब हम इसका लफ्जी तर्जमा करेंगे। मिस आयशा इज़ द फेवरेट पसंदीदा, मिस आयशा पसंदीदा टीचर उस्तानी है ऑफ क्लास 9, 9th क्लास की। द स्टूडेंट्स तलबा ईगरली शौक से पुरजोश तरीके से अटेंड करते हैं हर क्लास, उनकी क्लास। मिस आयशा एंटर्स एंड दाखिल होती हैं द क्लासरूम में विद हर अपनी यूजुअल स्माइल, जो हमेशा उनकी स्माइल होती है, मामूल की मुस्कुराहट के साथ ग्रीट्स खुश आमदीद करते हैं द स्टूडेंट्स तलबा को, तालबात को, एंड टेक्स और लेती हैं द रोल कार हाज़री। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, ये उनका ट्यूटोरियल डे है। ट्यूटोरियल डे कौन सा होता है? जिस दिन डिस्कशन भी होती है और पढ़ाई भी साथ होती है, किसी मामले पे डिस्कशन करनी होती है, तो उसको ट्यूटोरियल डे कहते हैं। द स्टूडेंट तलबात आल आर गियर्ड अप एंड देन, और वो सब बहुत खुश होते हैं। दे नो, वो जानते हैं व्हाट इज़ अबाउट टू कम, क्या होने वाला है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड, और वो तैयार होते हैं फॉर इट, उसके लिए। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शी आस, वो पूछती है पोलाइटली, नरमी से। येस, हाँ। द स्टूडेंट नॉट, स्टूडेंट सर हिलाते हैं। तो अब हम इसका बामुहावरा तर्जमा शुरू कर रहे हैं। मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। मिस आयशा क्लास 9 की फेवरेट स्टूडेंट हैं, पसंदीदा उस्तानी हैं। मिस आयशा क्लास 9 की पसंदीदा उस्तानी हैं। द स्टूडेंट ईगरली अटेंड हर क्लास, तालबात खुशी से उनकी क्लास अटेंड करते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लास रूम विद हर यूजुअल स्माइल, ग्रीट द स्टूडेंट एंड टेक्स द रोल कार्ड। मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ क्लासरूम में दाखिल होती हैं, तालबात को खुश आमदीद कहती हैं और हाज़िरी लेती हैं। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, ये उनका ट्यूटोरियल का दिन है। द स्टूडेंट्स आल गियर्ड अप, सारे जो तालबात हैं वो तैयार हैं। दे नो, वो जानते हैं व्हाट इज़ अबाउट टू कम एंड दे आर प्रिपेयर फॉर इट, वो जानते हैं कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, और सब उसके लिए तैयार होते हैं। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू कर दें। शी आस पोलाइटली, वो नरमी से पूछती हैं। येस द स्टूडेंट नॉट, स्टूडेंट सर हिलाते हैं। हम अब अगला पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। टीचर ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर द टॉपिक फॉर टूडेज डिस्कशन इज द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। टू स्टार्ट विद लेट मी स्टेट क्लियरली डैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट शेयर न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़, बट जनरली इट इंफॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस। डू यू एग्री स्टूडेंट्स? येस वी डू स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू एड अ बिट मोर टू इट। टीचर येस श्योर। अब मैं इसका बामुहावरा तर्जमा कर रही हूँ।
टीचर उस्तानी, ओके वी हैव डिसाइडेड, हम फैसला कर चुके थे अर्लियर पहले से, द टॉपिक ऑफ आवर टुडे डिस्कशन, आज का जो उनवान होगा बहस मुबासे का, इज़ द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, अबलाग का किरदार एंड इट्स इम्पैक्ट और उसके असरात। टू स्टार्ट विथ, उसके साथ शुरू करने के, लेट मी स्टेट, मुझे बयान करने दे क्लियरली, साफ तौर पर, डेट मीडिया अबलाग इज़ द मोस्ट पावरफुल, बहुत ताकतवर है मूड ज़रिया ऑफ कम्युनिकेशन, ज़रिया अबलाग का, बात करने का, गुफ्तगू करने का। इट शेयर्स न्यूज़, ये ख़बरें पहुँचाता है, एंड इंफॉर्मेशन और इतलात विद द पीपल, लोगों को पहुँचाता है। सम टाइम, कभी कभी मीडिया अबलाग स्प्रेड फैलाता है फॉल्स न्यूज़, गलत खबर, बट जनरली, लेकिन आम तौर पर, इट इन्फॉर्म्स अस, हमें खबर इतला देता है अबाउट द फैक्ट्स, हकाइक के बारे में, अराउंड जो हमारे गिर्द होते हैं। डू यू एग्री, क्या आप इस बात पर मुत्तफिक हैं? स्टूडेंट यस वी डू, हम हैं। स्टूडेंट वन, पहली तालबा, आई वुड लाइक टू ऐड, मैं शामिल करना चाहूँगी अबिट, थोड़ा सा मोर इसके साथ, थोड़ा सा ज़्यादा इसके साथ। टीचर यस श्योर, यकीनन। टीचर ओके वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, हम पहले ही से डिसाइड कर चुके थे, हम पहले ही से फैसला कर चुके थे आज के बहस मुबासे के बारे में, हम पहले ही से फैसला कर चुके थे कि हम अबलाग के ज़रिए अबलाग का किरदार और उसके असरात पर हम बहस मुबासा करेंगे। टू स्टार्ट विद, लेट मी स्टेट क्लियरली डेट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, शुरू करने से पहले मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूं कि अबलाग गुफ्तगू का सबसे ताकतवर ज़रिया है। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, ये लोगों को ख़बरें और इतलात पहुंचाता है। सम टाइम मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़, कभी कभी जो अबलाग है वो गलत ख़बरें भी पहुंचाता है, बट जनरली इंफॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, लेकिन आम तौर पर ये हकायक के बारे में हमें आगाह करता है जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं। डू यू एग्री, क्या आप इस बात पर मुत्तफिक हैं? स्टूडेंट्स तालबात यस वी डू, हम मुत्तफिक हैं। स्टूडेंट वन, पहले स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट, मैं इसके साथ कुछ इजाफा करना चाहूँगी। टीचर यस श्योर, हाँ यकीनन। अब हम अपना थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट वन, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, their feelings and opinions are expressed through it, media attracts the attention of a very large audience, have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television. Student 1, media ablag helps, matlab karta hai people, logo ki, to share knowledge, इल्म को शेयर करने के लिए, इल्म को फैलाने के लिए, ऑफ़ द वर्ल्ड, दुनिया के, देयर फीलिंग, उनके एहसासात एंड ओपिनियंस और ख्यालात आर एक्सप्रेस, बयान किए जाते हैं थ्रू इट, इसके ज़रिए। मीडिया अबलाग अट्रैक्ट्स, मुतासर करता है द अटेंशन, तवज्जो हासिल करता है ऑफ़ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, बहुत ज़्यादा सामीन की। हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी गौर किया है? डैट द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ वी डू, हम करते हैं, आफ्टर एंटरिंग द हाउस, घर में दाखिल होते ही, इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, वो टीवी को चलाना होता है। स्टूडेंट वन, अब हम इसका बामुहावरा तर्जमा कर रहे हैं। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, अबलाग दुनिया की इल्म को फैलाने में, लोगों को फैलाने में मदद करता है। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट, उनके ख्यालात और एहसासात इसके लिए बयान होते हैं। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, अबलाग बहुत ज़्यादा सामीन की तवज्जो हासिल करते हैं। हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी गौर किया? डैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, क्या आपने कभी गौर किया है कि घर में दाखिल होते ही जो सबसे पहले हम काम करते हैं वो टेलीविज़न को चलाना होता है। हम अब अगले लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। टीचर देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। स्टूडेंट टू, लेट मी से डैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस अबाउट, आल्सो एंटरटेन्स अस। टीचर एब्सोल्युटली राइट, वेल डू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट 3, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया।
द मीडिया हेल्प्स फिल्म द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म रेडियो टेलीविजन इंटरनेट्स बुक्स मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट. अब मैं इसका लफ्जी तर्जमा करती हूँ. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इसके बारे में कोई शक नहीं है. स्टूडेंट टू लेट मी से मुझे कहने दें डैट मीडिया अब्लाग हैज़ बिकम अ पार्ट जिंदगी बन चुका है जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. इट इज़ नॉट ओनली इंफॉर्मर ये हमें ना सिर्फ इतला देता है बट आल्सो इंटरटेनर हमें तफरीह के मौके भी फराहम करता है. टीचर एब्सोल्युटली राइट बिल्कुल सही. वेल अच्छा डू वी हैव एनी आइडिया क्या हमें कोई आइडिया है अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दो बड़े ज़राए गुफ्तगू के. स्टूडेंट थ्री देर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन गुफ्तगू के दो बड़े ज़राए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बरकियाती अबलाग एंड प्रिंट मीडिया और इशाती अबलाग. द मीडिया इंक्लूड्स अबलाग शामिल करता है इसमें फिल्म रेडियो टेलीविजन इंटरनेट बुक्स मैगजीन्स एंड अखबार न्यूज़पेपर अखबार. इट प्रोवाइड्स अस हमें मुहैया करता है इंफॉर्मेशन इतला एज वेल एज तफरी. अब दोबारा से मैं इसका बामहावरा तर्जमा कर रही हूँ. टीचर देर इज़ नो डाउट अबाउट इसके बारे में कोई शक नहीं है. स्टूडेंट टू लेट मी से डैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ मुझे कहने दें कि जो अबलाग जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है एक हिस्सा बन चुका है. इट नॉट ओनली इंफॉर्मर्स ये हमें न सिर्फ इतला देता है बल्कि तफरीक के मौके भी मुहैया करता है. टीचर एब्सोल्युटली राइट बिल्कुल सही. वेल अच्छा डू वी हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या आपके पास आपको पता है अबला के दो बड़े ज़राए के बारे में क्या आप जानती हैं अबला के दो बड़े ज़राए के बारे में क्या आप जानती हैं. स्टूडेंट थ्री तीसरी स्टूडेंट देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. अबला के गुफ्तगू के दो बड़े ज़राए हैं और वो हैं बरकियाती अबलाग और इशाती अबलाग. द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म रेडियो टेलीविजन इंटरनेट बुक्स मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. अबलाग फिल्म रेडियो टेलीविजन इंटरनेट बुक्स मैगजीन और अखबार को शामिल करता है. इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी मुहैया करते हैं. और मैं आपको बताती चलूँ ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें फिल्म रेडियो टेलीविजन इंटरनेट ये शामिल हैं और जो बुक्स मैगजीन और न्यूज़पेपर हैं ये प्रिंट मीडिया में शामिल है. ओके द लेक्चर इज़ ओवर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.